हेलो एवरीवन, वेलकम टू शोम्स आईएएस। मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड टुडे आई एम विद चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11th इकोनॉमिक्स। एज वी ऑल नो दैट वी आर कवरिंग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्लास 11th, सो हियर इज चैप्टर 6 व्हिच इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हाट विल वी लर्न द चैप्टर, लेट अस डिस्कस दैट। अंडरस्टैंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और मेजर इश्यूज इसके एसोसिएटेड। ठीक है, अप्रिशिएट करने वाले हैं कैसे डेवलप रूरल एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है वो एक इंडिया का सबसे ओवरऑल डेवलपमेंट को हम वो कर सकते हैं कि ना क्रूशियल है रूरल डेवलपमेंट हमारे पूरे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द क्रिटिकल रोल ऑफ क्रेडिट मार्केटिंग सिस्टम इन रूरल डेवलपमेंट। तो क्रेडिट का सिस्टम और मार्केटिंग सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिफिकेशन की इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़ टू सस्टेन लेवल हो। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द चैप्टर। सो जैसे हमें पता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन रूरल एरियाज़ आर पुअर एंड द मेजोरिटी ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड इन रूरल सेक्टर इज एग्रीकल्चर। ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सो दिस आइडिया ऑफ विलेज डेवलपमेंट बींग विद द सेंटर ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज रिलेवेंट इवन टूडे। ठीक है, ऐसे क्यों? बिकॉज ज़्यादातर मोर देन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। सो ये इसलिए है क्योंकि इतना सारा जब 2/3 ऑफ द कंट्री जब ऑलरेडी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे ही, बट फिर भी जो उनमें से भी जो 1/4 है वो पॉवर्टी से ग्रसित है। ठीक है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है वो लोग। ठीक है, मतलब इतना इनफ प्रोडक्टिव नहीं है एग्रीकल्चर की अभी पूरे सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आ जाए। ठीक है, 1/4 इज़ अ लार्ज नंबर। व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट? रूरल डेवलपमेंट होता क्या है? रूरल डेवलपमेंट एसेंशियली फोकसेस ऑन द एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग बिहाइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विलेज इकोनॉमी। मतलब रूरल डेवलपमेंट में हम बेसिकली हाईलाइट करते हैं और ध्यान देते हैं उन विलेजेस को, डैट विलेजेस विच आर लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, जो कि पीछे रह गए हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में, तो उनको और डेवलप करने के लिए, उनको इक्वल लेवल पर लाने का जो फंक्शन है डैट इज रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंक्लूड लिटरेसी, मोस्ट स्पेसिफिकली ह्यूमन लिटरेसी। ठीक है, एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एड्रेसिंग बोथ सैनिटाइजर एंड पब्लिक हेल्थ। उसके बाद लैंड रिफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकेलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट चाहिए जैसे एग्रीकल्चर, इरीगेशन, क्रेडिट, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह 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 वगैरह, है ना, जो भी चाहिए होता है बेसिकली, जैसे हाईवे फैसिलिटीज़, रिसर्च एंड एक्सटेंशन। Special measures for elevation of poverty and bringing about a significant importance in the living of condition. ठीक है, अब इन सभी का मतलब क्या है? इन सब ये सारे जो भी है, ये मोस्ट ऑफ जो है वो फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पे है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ टू बी प्रोवाइडेड, जिसमें हमें ज़्यादा मीन्स की ज़रूरत है ताकि हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकें। इसके लिए हमें एग्रीकल्चर के बाद वेरियस नॉन फार्म एक्टिविटी में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वेरियस नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी जो प्रोडक्टिव है एक्टिविटीज, उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, एनेबलिंग देम बेटर एंड अफोर्डेबल एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी एट वर्क प्लेस, होम्स, एजुकेशन एंड फॉर ऑल वुड ऑल्सो बी नीडेड टू गिव अनदर टॉप प्रायोरिटी फॉर रैपिड रूरल डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें टॉप में होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा रूरल एरिया जल्दी से रैपिडली डेवलप हो। ठीक है, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर जो GDP पे कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो सिर्फ घटता ही जा रहा है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिल रही। और जो पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उनमें कुछ ऐसा बेसिक चेंज देखने को नहीं मिल रहा, बट जो GDP का इन्वॉल्वमेंट था, जो इसका एग्रीकल्चर का इन्वॉल्वमेंट था ना GDP में, वो सिर्फ डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट है उनमें। फर्दर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है डिक्लेयर्ड कि 3% है पर NM ड्यूरिंग 1991 to 2014। ठीक है, इतना तो है कि जो इतना ही सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है हम लोगों को
वो भी 2012 तक, अभी तक तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। ठीक है, 2014-15 में जो GVA है वो ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर वॉज लेस देन 1%। 1% से भी कम ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का अभी पे, और फिर भी मैक्सिमम ऑफ द लॉ पीपल्स आर स्टिल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर ही। ठीक है, इसलिए इधर डिस्कस्ड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट है, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी कहीं हो सकता है कि एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं लैक कर रहा है, कि सपोज अगर लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इंडस्ट्री में और सर्विस सेक्टर में, इसकी वजह से भी लोग ज़्यादातर ग्रोथ इसमें जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, अब हम देखते हैं क्रेडिट एंड मार्केटिंग इन रूरल एरियाज़। क्रेडिट क्या है? क्रेडिट होता है जब हम पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, क्रेडिट एग्रीकल्चर को रिलेटेड वो हम ना 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं ना, विच वॉज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी विच वी स्टार्टेड, जिसमें हमें एक क्रेडिट कैसे कैसे जो फार्मर्स है वो क्रेडिट लेते हैं और कैसे डेट ट्रैप में फंसते हैं, ये सारी चीज़ें ना हम उससे थोड़ा है, मतलब हम लोग फेमिलियर हैं, है ना। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो मनी लेंडर्स थे और जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे कि वो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स थे और जो लैंडलेस फार्मर थे, वो जो बड़े लोग बड़े वो थे मनी लेंडर्स, उनसे पैसा ले लेते थे और एक डेट ट्रैप में फंस जाते थे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें लोग फिर फार्मर्स ना सुसाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। इसके लिए इंडिया ने अडॉप्ट किया, जब 1969 में इंडिया ने डिप इन्होंने अडॉप्ट किया सोशल बैंकिंग और मल्टी एजेंसी ताकि लोग जो है उनको रूरल क्रेडिट मिल सके, है ना, एडुकेट चाहिए लोगों को। इसके लिए फिर लेटर नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को सेटअप किया गया 1982 में, जो कि एक अपेक्स बॉडी बनी कि जो भी एक्टिविटीज़ है जो बेसिकली इनके लिए रूरल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, उसके लिए एक बड़ा एक ये ऑर्गेनाइजेशन आ गया था। ठीक है, द इंस्टीट्यूशनल सेक्टर ऑफ रूरल बैंकिंग टूडे कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ, अब तो काफ़ी सारी एजेंसीज आ गई है, जैसे बहुत कमर्शियल बैंक्स आ गए हैं, रीजनल रूरल बैंक्स आ गए हैं, RRBs आ गए हैं, कोऑपरेटिव एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ गए हैं, है ना, जिस जो कि एक चीपर रेट में क्रेडिट दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है SHGs यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत आज के टाइम पे तो ना डेवलप हो रहे हैं, जिसमें लोग खुद ही ग्रुप बना के थोड़ा थोड़ा सा पैसा कंट्रीब्यूट करके जब किसी को ज़रूरत होती है वो निकाल लेते हैं ना। रूरल सोसाइटीज़ में ये बहुत ज़्यादा चलता है SHGs, स्पेशली वुमेन्स ये काफ़ी ज़्यादा करती है ना। फिर हाँ, ये जो वुमेन्स है जो SHG से पैसे, एक SHG हो गया, फिर जो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड है CISF, ये सारी जो है ना एक आपको इनकम जनरेशन का सोर्स मिलता है। ये छोटे छोटे जो भी एक क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं ना, इनको माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है रूरल बैंकिंग, एक क्रिटिकल अप्रेजल, रैपिड एक्सपेंशन, जब बैंकिंग सिस्टम का इतना रैपिड एक्सपेंशन हुआ और पॉजिटिव इफेक्ट आया रूरल फार्मर्स और नॉन फार्मर आउटपुट में, स्पेशली जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था तो लोगों को पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थी, है ना, मैंने पढ़ा था कि कैसे चीज़ें चाहिए होती है, पेस्टिसाइड्स हाई हाई वाटर के लिए, फिर इरिगेशन की भी ज़रूरत थी, तो जब और उसी टाइम पे ये चीज़ें आ गई सब, तो इसलिए एक अच्छा एक बिल्कुल पॉजिटिव इफेक्ट आया उस टाइम पे, इन चीज़ों का पॉजिटिव इफेक्ट आया। ठीक, जिससे कि सर्विसेज और क्रेडिट को अवेल करने के लिए फार्मर्स को प्रॉब्लम नहीं पड़ी। उसके बाद जैसे जब पिछले टाइम में जब फेमाइंस आई और हम लोगों के पास था नहीं कुछ, अब तो हम लोग फूड सिक्योरिटी भी सीख गए थे, हम फूड को सिक्योर करना सीख गए थे, फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, अगर कैलमिटी आ जाती है या फेमाइन आ जाता है, तो इस चीज़ों के लिए हमने रखा हुआ था। फिर विद द पॉजिटिव एक्सेप्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, जो और फॉर्मर इंस्टीट्यूशंस थे ना जो मोबालाइजेशन वगैरह के कल्चर पे थे, वो सारे बंद हो गए बिकॉज कमर्शियल बैंक्स इतने सारे चल पड़े जो भी, और रिसेंट ईयर में जो भी एडल्ट थे ना उन सभी ने बैंक अकाउंट भी खोल लिया जनधन योजना में, जिसमें उनको कोई भी एक मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो उनसे जो भी गवर्नमेंट जो सब्सिडीज देती है ना एग्रीकल्चर में फार्मर्स को, वो भी वो ये रिसीव करने में सफिशियंट हो गए। ठीक है, फिर है एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, एग्रीकल्चर का मार्केट सिस्टम कैसा है?
एग्रीकल्चर के मार्केट सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़। ठीक है, बट मार्केट पे ना जो 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 फार्मर्स होते हैं जिनको बेसिकली चीज़ें पता नहीं होती ना, जो फार्मर्स होते हैं जिनको भी इतना वेल चीज़ों का नॉलेज नहीं पता होता, जैसे कि रेट क्या है, चल रेट क्या चल रहा है, या फिर एक है ना रेट क्या चल रहा है, तो लोग जब वो बेचते थे ना तो लोग वो ज़्यादा रेट में चीज़ें बेच देते थे गलती से। जब लोग ऐसा बोलते थे कि मार्केट में तो ये भाव चल रहा है, फिर लोग वो महंगी हाई रेट में भी हाई रेट में बेच देते थे, सॉरी लेस रेट में बेच देते थे, आई एम सॉरी। और चीज़ें जब खरीदते थे तो हाई रेट में खरीदते थे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बन करके आई, माल प्रैक्टिसेस होने लगी थी इसके लिए। फिर बाद में जब लोगों को ये पता चलने लगी, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्केट में रेगुलेशन कर दिया, और जो मार्केट कंडीशन थी ना उसकी ट्रांसपेरेंसी कर दी कि पता चल जाए कि क्या क्या वो चल रहा है, भाव चल रहा है। इसमें से फार्मर और कंज्यूमर दोनों को ही फ़ायदा हुआ है ना। फिर उसके बाद जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, रेलवे, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, इन सबको भी और ज़्यादा प्रोविजन किया गया और ज़्यादा बनाए गए, और फार्मर्स को फ़ायदा हुआ। ठीक है, इन सब चीज़ों से। उसके बाद जब फार्मर्स को फेयर प्राइस पता चला, तो मतलब फार्मर को फेयर प्राइस बनाना ये एक एस्पेक्ट बना था कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बन गया ये, ताकि लोग फार्मर्स को पता चले कि मतलब सही 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 रेट क्या चल रहा है। वो तो पता होना ही चाहिए ना किसी भी फार्मर को अगर वो काम कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद जो अगला एलिमेंट था वो थी पॉलिसीज, जैसे एश्योर करना मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का वो करना, फिर मेंटेनेंस, बफर स्टॉक का मेंटेनेंस जैसे वीट और राइस, फूड कॉरपोरेशन। उसके अलावा जो PDS थी ना, PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें भी फूड ग्रेन्स और शुगर्स को वो कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो इनकम थी फार्मर में, जो फूड ग्रेन वो प्रोवाइड कर रहे थे ना, उसको भी सब्सिडी जो सब्सिडाइज रेट था वो भी प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट के वो बने। फिर एग्रीकल्चरल मार्केट एक काफ़ी बड़ा वो बना मतलब गवर्नमेंट के लिए, जिसमें गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना पड़ा, बट आप बाद में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिली। ठीक है, अल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स, जो अल्टरनेटिव मार्केट चैनल्स थे वो भी काफ़ी इमर्ज हुए। ऐसा क्यों कि देखो लोग जो ये रियलाइज़ किया गया कि अगर फार्मर्स अपने जो भी उनका प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, तो उनकी इनकम में थोड़ी इंक्रीजेस है, जैसे कि अपनी मंडी हो गई, फिर हदसपर मंडी, रायथू मंडी, कि कहाँ है अपनी मंडी है पंजाब हरियाणा और राजस्थान में, हदसपर मंडी है पुणे में, रायथू बाज़ार है वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। उसके बाद आता है उजावर संडीस विच इज़ फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु। ठीक है, उसके अलावा कुछ नेशनल और मल्टीनेशनल फूड चेन्स बनाए गए, जिससे कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे फार्मर्स को भी ना इंक्रीमेंट मिला, बात काफ़ी फार्मर्स भी इनक्रेज हुए और काम करने के लिए। उसके बाद लोगों ने मतलब फूड वगैरह बनाना, वेजिटेबल और फ्रूट्स को बेचना भी शुरू किया, उगाना शुरू किया। ठीक है, प्री डिसाइडेड प्राइस में, प्राइस इज़ प्री डिसाइड हो जाते थे। ठीक है, इट इज़ आर्ग्यू डैट सच अरेंजमेंट विल हैपन इन रिड्यूसिंग द प्राइस रिस्क ऑफ फार्मर। हाँ, प्राइस रिस्क जो फार्मर्स की उसमें भी थोड़ा डिक्रीमेंट होगा कि रिस्क इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अगर पहले से प्राइस वो लोग सेट करके रखेंगे, तब हम देखते हैं कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ थी उसमें डाइवर्सिफिकेशन क्यों देखने को मिला हमें, क्योंकि अब लोगों ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी चीज़ें अपनानी शुरू की नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जैसे कि प्रोवाइडिंग प्रोडक्टिव सस्टेनेबिलिटी लिवलीहुड अपॉन रूरल पीपल। इन्होंने इसीलिए किया ताकि रूरल पीपल को भी थोड़ा सा वो मिले, है ना, सस्टेनेबल मिले। जो खरीफ सीजन थी उसमें भी मतलब ऐसा होता था कि इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ मिल जाती थी, या तो खरीफ क्रॉप में या तो रबी सीजन में, तो कहीं ना एक प्रॉब्लम, एक डिफ़िकल्टी थी फार्मर्स के लिए। तो ये ज़रूरी था कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ और जो अदर अल्टरनेटिव है लेवलीहुड के, उनको भी एमर्ज किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए जो चीज़ें थी नॉन फार्म इकोनॉमी है सेवरल सेगमेंट्स इन, कौन कौन से थे? बेसिकली एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे पहला, जिसमें इंडस्ट्रीज लेदर इंडस्ट्री, टूरिज्म वगैरह का ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है, इसके अलावा है एनिमल हस्बेंड्री, लोगों ने जानवरों को पालना शुरू किया, जैसे पिग्स हो गए, ये हो गए मुर्गे वगैरह पालने शुरू किए, कैटल और बफेलो, शीप्स एंड गोट्स। इनका क्या होता था, इनका मीट बिकता था, ठीक है,
मीट बिकता था, फिर ये मिल्क बिकता है, मिल्क की कितनी सारी चीज़ें बनती है, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स, ये सारी चीज़ें बिकती थी। ठीक है, इसलिए इन इन लोगों को पालना शुरू किया। ठीक है, जिससे जो है इनकम में एक स्टेबिलिटी मिल गई, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, न्यूट्रिशन, ह्यूमन जो भी फैमिली थी उन सबको कोई भी डिस्टरबेंस नहीं रहा। ठीक है, बीच में अगर ये लोग जब इन्होंने ये अपनाना शुरू किया, ऐसे जो थे लेवलीहुड ऑप्शन बना, ये सारे अराउंड 70 मिलियन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जो लैंडलेस थे बेसिकली उनको ये ज़्यादा मिला। ठीक है, उसके बाद आता है, हाँ, लोगों ने डेयरी का प्रोडक्ट बनाने शुरू बना के शुरू ने बना के बेचने शुरू किए। फिर जो गुजरात गुजरात जैसी स्टेट्स थे उन्होंने मिल्क कॉरपोरेशन खोला, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये भी मेजर मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट्स बने। फिर मीट हो गया, फिशरीज हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत बिकी। ठीक है, हाँ, फिशरीज, फिशरीज क्या था कि लोगों ने मछलियाँ पालना और उनको बेचना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी लोग तो मछली खाती भी हैं, है काफ़ी लोग तो क्या, मैक्सिमम लोग मछली खाते हैं, मछली फिर ऐसे भी और जो भी सी के और ओशंस के चीज़ें थी वो चीज़ें ला के भी उन्होंने बना के बेचना शुरू किया ना, फिशरीज भी शुरू हुआ। फिर आया हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में क्या होता था कि बहुत सारे तरह के फ्रूट्स, फ्लावर और जो ट्यूबर क्रॉप्स थे ये सारे को ला के बेचा जाता था। ठीक है, और ये भी एक काफ़ी बड़ा सोर्स बना कि जिसमें जो इसने जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारी जीडीपी है ना उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारी एग्रीकल्चर में वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये फिशिंग और ये प्रॉब्लम थी, इनके साथ प्रॉब्लम ये खड़ी हुई कि अगर ऐसा हो सकता था कि कभी ना कभी पोल्यूशन की वजह से ना ये सारी चीज़ें रेगुलेट कर देनी पड़ती थी, कि कभी ऐसा होता कि फिशेस की कमी ना पड़ जाए इस चीज़ के लिए, कि मतलब ऐसा ना हो कि फिशेस एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाए, इसके लिए भी बीच बीच में जो है इनके लिए रेगुलेट करना ज़रूरी हो जाता था। ठीक है, हॉर्टिकल्चर एक सक्सेसफुल जैसा बनकर तो आया, जबकि सस्टेनेबल लेवलीहुड में इनका एक मतलब इन्होंने इनक्रेज किया सिग्निफिकेंटली। ठीक है, जो अदर लेवलीहुड ऑप्शंस थे वॉज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हमारे कंट्री में बहुत जल्दी बहुत जल्दी ग्रो किया, ये तो सभी को पता है। तो आईटी सेक्टर में भी, और आईटी सेक्टर तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता था रूरल एरियाज़ में, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। ठीक है, बट इसके लिए ये था कि लोगों को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है आईटी सेक्टर के लिए। ठीक है, फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इन रिसेंट ईयर जो थे ना केमिकल बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स थे और पेस्टिसाइड्स थे उनसे पता चला कि हमारी हेल्थ में ये बहुत हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं, इसके लिए उनमें भी ब्रेक लगाया गया। ठीक है, इको फ्रेंडली चीज़ों को शुरू किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें से इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक फार्मिंग भी थी। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, मतलब बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें अराउंड 10% ऑफ फूड जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर उगाया जाता है, ताकि वो अपना ग्रीन स्टेटस बढ़ा सके ऑर्गेनिक फूड का। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड में जो है 10 से 100% ऑफ कन्वेंशनल वंस होते हैं। ठीक है, इनकी प्राइस इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो थे इकोलॉजिकल बैलेंस में थोड़ा, हाँ, थोड़े बैलेंस करने के लिए जो है तब हमने इको सिस्टम को अपनाया, उसके बाद हमने जो ऑर्गेनिकली और एनहांस उन फूड को खाना शुरू किया जो बहुत सेफली ग्रो किए जाते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये फ़ायदे थे कि जो HYV सीड्स थे उनमें भी फ़ायदा देखने को मिला, और लोगों ने मतलब ये चीपर हो गए, जो ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं ना ये काफ़ी चीपर होते हैं और ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि लोग गोबर भी यूज़ करते हैं ना, और जो भी ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करते हैं वो घर पे खुद भी बन जाती हैं, तो इसके लिए ना ये एक वो हो गया कि लोगों को इधर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फार्मर्स को। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड था वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल था, जो जबकि जो केमिकल फार्म वाला था उससे तो हेल्दी फूड तो क्या, उससे तो हमें भी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। ठीक है, वो हार्मफुल था हमारे लिए, और जबकि हम जो ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स थे उनमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस देखने को मिला। उसके बाद जब ऑर्गेनिक फार्मर्स को इतना पॉपुलर हो गया तो अवेयरनेस किया गया, सारे फार्मर्स को ये बात पता चली कि उनको मतलब और नई टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट करना चाहिए, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इंक्रीज करना चाहिए, है ना। और उनका ये भी एक वो था कि उनकी जो एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ है और उनको भी प्रमोट किया जाए, साथ साथ में ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनको भी ये किया जाए। ठीक है, फिर आता है कंक्लूजन। सो यहाँ पे ये कंक्लूजन यही बताता है कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के अलावा हमें नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
एग्रीकल्चर में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं जितनी हम लोग जितने लोग उसमें एम्प्लॉयड है ना, इसलिए एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए, जैसे डेयरिंग, पोल्ट्री, फिशरीज, ये सारी चीज़ों पे भी अगर हम ध्यान दें तो हमारी गवर्नमेंट हमें और रूरल अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है रूरल इलाके में भी, ठीक है। सो टुडे वी कैन नॉट लुक एट द एनवायरमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट एज टू डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट। हाँ, एनवायरमेंट और रूरल डेवलपमेंट सेम ही तो चीज़ है, मतलब सेम तो नहीं है, बट अगर हमें रूरल डेवलपमेंट करना है तो हमें वो चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारे एनवायरमेंट में कुछ फ़र्क ना हो, इससे जो है हमारे रूरल कम्युनिटी को वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें चाहिए और हमारी जो रूरल एरिया है वहाँ पर भी सारे लोग एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड हो जाएंगे और मतलब वो पिछड़ा नहीं रह जाएगा इलाका, है ना। सो यहाँ से शुरू होता है रिकैप, सो हियर इज़ इट फॉर द वीडियो एंड द चैप्टर एज वेल। थैंक यू वेरी मच।